हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल क्रोशिया। ये देखिए, मैं आज आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन से आप कारपेट, कालीन, डोरमैट, पूजा आसन, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन देखने में बहुत सुंदर है और बनने में बहुत ही आसान है। इसे आप मेरी तरह से कई रंगों से या दो रंगों से या एक रंग से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा उभरा हुआ डिज़ाइन होता है, देखिए इस तरीके से। और ये मैंने पूजा आसन बनाया है, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, पूरा खोलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो भी हमारे पास ऊन है उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी जितनी जितनी ऊन बची हुई है उन सबको भी लगा सकते हैं हम। और हमारी पुरानी स्वेटर होती है उनको उधेड़ के भी हम उससे भी इसे बना सकते हैं। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 141 चेन ले ली है। ये हमारा डिज़ाइन 3 चेन का है। आप इसको जो ये हम बेस तैयार करेंगे उसके लिए हम आप कोई भी अपनी पुरानी ऊन भी ले सकते हैं और कोई भी ऊन ले सकते हैं। जैसी आप ऊन ले उसके हिसाब से अपना क्रोशिया हुक ले लें। ये मैंने बेस बनाने के लिए 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। मैंने 141 चेन बना ली है। इसके बाद हम 5 चेन और बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाने के बाद इन 5 चेन को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स्थ चेन में, छठी चेन में हमें ऐसे क्रोशिया हुक लेके और हमें करना है एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया। फिर हमें लेनी है 2 चेन और नीचे हमें 2 चेन छोड़ देनी है, 1, 2। देखिए इस तरीके से। फिर तीसरी चेन में हमें करना है ऐसे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है और नीचे से भी हमें 2 ही चेन छोड़नी है। इस तरीके से हम ये ब्लॉक बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये ब्लॉक बनते जाएंगे 2-2 चेन के गैप पे। ये देखिए 2 चेन, फिर हमें नीचे से 2 चेन छोड़नी है। तीसरी चेन में हमें करना है एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। ये हमारी जो बेस बनाने के लिए फर्स्ट रो है वो इसी तरीके से बनेगी। देखिए 2 चेन हमें छोड़नी है और 2 चेन ऊपर लेनी है। क्रोशिया पे ऊन लेके और डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया। ये पूरी रो मेरी इसी तरीके से बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स बनाते हुए ऐसे डबल क्रोशिया के 2 चेन, 2 एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट तक आ गई। यहाँ पे भी मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब अगली रो बनाने के लिए, सेकंड रो के लिए 1, 2, 3 3 चेन डबल क्रोशिया की हाइट की और 2 चेन का जो गैप है उसके लिए 3, 2, 5 5 चेन लेने के बाद इसे पलट लेंगे और क्रोशिया पे ऊन लेके ये जो हमारा डबल क्रोशिया था इसी के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया ऐसे कर लेना है। देखिए फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया इस तरीके से, 2 चेन डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें ऐसे डबल क्रोशिया कर देना है। फिर 2 चेन और ये जो हमने 5 चेन ली थी इसमें से 1, 2, 3 तीसरी चेन में जो कि डबल क्रोशिया की हाइट की होती है ऐसे क्रोशिया हुक डाल के और हमें ऐसे डबल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए थर्ड रो बनाने के लिए 5 चेन, 1, 2, 3 3 चेन जो कि डबल क्रोशिया की हाइट की हैं, 2 चेन जो कि गैप के लिए हैं। और इसको ऐसे पलट के और जैसे सेकंड रो बनाई थी इसी तरीके से हमें अपनी सारी रो बनाते जाने हैं। जितने आपके बॉक्स ये इधर हैं इतने ही आपके बॉक्स ऐसे लंबाई में आपको ऊंचाई में बनाने हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉक्स बना लिए हैं। देखिए इनकी काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से भी काउंटिंग करिए और इस तरीके से भी काउंटिंग करिए। दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। मेरे 47 हैं, इधर भी 47 है, इधर भी 47 है। आपको जितने भी अपनी लंबाई चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से अपने इंची टेप से नाप के अपने बॉक्स बना के और ये बेस तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमें इसके ऊपर वर्क करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सीधी तरफ से हम इसके लास्ट इसमें से ऊपर की तरफ से ऐसे एक फर्स्ट ब्लॉक में से क्रोशिया हुक लेके और स्लिप नोट लगा के इसे कनेक्ट कर लेंगे। देखिए इस ऊन को दूसरी 1, 2 चेन लेंगे,
दो चेन लेने के बाद हमें इसमें लेना है हाफ डबल क्रोशिए। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, तीन हाफ डबल क्रोशिया, चार हाफ डबल क्रोशिया और ये पांच हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारी एक दो की चेन और पांच हाफ डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट इसमें से हमारे ब्लॉक में से ऐसे पांच छह हाफ डबल क्रोशिया होगी। क्रोशिए पे ऊन लेंगे और फिर देखिए ये इस तरीके से हमने इसमें किया। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें चलेंगे ऐसे, इसमें हमें करना है इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसमें हमें करना है डबल क्रोशिया को पकड़ के ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करते रहेंगे। देखिए इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया और ये तीन हाफ डबल क्रोशिया। ये तीन हाफ डबल क्रोशिया आप कर सकते हैं, अगर आपकी ऊन ज़्यादा बारीक है तो आप चार हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। फिर क्रोशिया पे ऐसे ऊन लेंगे और ये जो हमारी दो की चेन थी ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये डिज़ाइन ऐसे चलेगा। तो ये हमारी दो की चेन थी, ये वाली नहीं इससे नीचे वाली, इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे उंगली से और इसमें करेंगे तीन हाफ डबल क्रोशिया। ये मैं पूरी डिज़ाइन तीन हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाऊंगी। देखिए फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ हमें जाना है क्रोशिया पर ऊन लेके, और ये जो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था इसके बाद ये सेकंड डबल क्रोशिया को लेंगे हम। इसको ऐसे पकड़ के ऊपर से और इसके नीचे से क्रोशिया हुक लेके और हमें करना है हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से चलेगा। अब हमें ये जो ऊपर वाली चेन है देखिए इसके बाद ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इसको ऐसे पकड़ना है और इसमें से करना है तीन हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपकी ऊन ज़्यादा बारीक है तो आप तीन हाफ चार हाफ डबल क्रोशिया करिए, अगर इससे भी ज़्यादा मोटी है, ये मेरी बेबी वूल है, तो आप दो हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपका ज़्यादा गैप नज़र ना आए करने पे। ये तीन हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, अब ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। ये देखिए इस डबल क्रोशिया को ऐसे ऐसे पकड़िए और इसके नीचे से क्रोशिया उग डाल के और यहाँ से हमें करना है हाफ डबल क्रोशिया तीन। फिर हमें इस चेन में से करना है, फिर देखिए ऐसे पलट लेंगे हम इसे और इसको यहाँ से इस तरफ से ऐसे करेंगे। तीन हाफ डबल क्रोशिया देखिए, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आएगा डिज़ाइन। तीन हाफ डबल क्रोशिया हर या तो दो की चेन या डबल क्रोशिया में से जहाँ से भी हम करेंगे एक में से तीन बार करना है, तीन हाफ डबल क्रोशिया करने हैं हमें। फिर अब ये डिज़ाइन ऐसे इसमें से आएगा, इसको ऐसे हाफ डबल क्रोशिया को ऐसे पकड़ के और एक ही जगह से हमें तीन हाफ डबल क्रोशिया करनी है। देखिए फिर ये चेन में से इस तरीके से, मुझे लग रहा है कि ये डिज़ाइन आपको भी अभी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इसे बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको 3D डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, 3D पैटर्न भी बोल सकते हैं। देखिए ये इतना उभरा हुआ होता है डिज़ाइन। अब इस डबल क्रोशिया को ऐसे ऐसे पकड़ना है यहाँ से और इसके नीचे से ऐसे क्रोशिया उक डाल के हमें तीन बार करना है हाफ डबल क्रोशिया। ये दो की चेन जो थी हमारी ऊपर, इसमें से तीन बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया को एक बार इसको इस तरीके से पकड़ना है और एक बार इसको इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए मेरा ये डिज़ाइन इस तरीके से बनता जा रहा है, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी डिज़ाइन की फर्स्ट रो इस तरीके से ऐसे इस तरफ से भी अब ऐसे जिग जैक में ऐसे ही घूमती रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट रो को बनाते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब थ्री हाफ डबल क्रोशिया हमें इसमें भी बना लेना है, एक दो तीन। और ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, इसी की फर्स्ट चेन में लेके हमें ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है और एक चेन लेके अपनी ऊन को थोड़ा सा ऐसे लंबा छोड़ के और कट कर लेंगे। सेकंड रो शुरू करने के लिए आप किसी भी कोने से शुरू कर सकते हैं इसे, ऐसे ये डबल क्रोशिया में से क्रोशिया हुक लेके और दूसरी ऊन की या सेम ऊन का जिसको जैसे भी आपने बनाना है हमें ऐसे एक करना है सिंगल क्रोशिया और दो चेन, उसके बाद हमें
दो हाफ डबल क्रोशिया और करनी है। देखिए ये दो हाफ डबल क्रोशिया, ये तीन हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। उससे अगले में फिर हमें ऐसे ऐसे पकड़ के इसके नीचे से लेके और तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन, जैसे हमारी फर्स्ट रो बनी है ऐसे ही सेम हमारी सारी रो बनती जाएंगी। जितनी भी आपको बनानी है, जिस भी तरीके से आपको ये डिज़ाइन का पैटर्न बनाना है, जिग जैग में बनाना है, किसी और पैटर्न में बनाना है, तीन हाफ डबल क्रोशिया, फिर ऐसे करके हम करते रहेंगे। देखिए आप इसे दो रंग से भी बना सकते हैं और कई रंगों से भी बना सकते हैं और एक रंग से भी बना सकते हैं, जैसी आपके पास ऊन है उसी हिसाब से आप इसे बनाइए। देखिए देखिए इसी तरीके से जिग जैग का पैटर्न चलता रहेगा। अब हमें ऊपर की तरफ ऐसे लेना है, एक डबल क्रोशिया एक दो की चेन में से हमें तीन हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। ये मेरा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे होता रहेगा और लास्ट में हमें यहीं पे लाके स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा आसन कंप्लीट हो गया है और मैंने इसमें अपनी इच्छा से जो भी मेरे पास ऊन थी उसी हिसाब से मैं लगाती रही थी। मैंने इसमें अपनी सारी बची हुई ऊन का इस्तेमाल किया है। आप इसे बची हुई ऊन से, पुरानी ऊन से भी बना सकते हैं। ये बहुत फुल साइज का है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है और इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैंने इसकी किनारी पे ये पैटर्न बनाया है, आप यहाँ पे लटकन भी लगा सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं दूसरी वीडियो इसके लिए बना दूँगी और ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।